हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जिस वैकेंसी का आपको बहुत टाइम से यानी कि एक लंबे टाइम से इंतजार था, वो वैकेंसी आपकी आ गई है। यानी कि रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी का जो 9000 प्लस पदों पर उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन कल ही आ गया था, लेकिन इसके जो फॉर्म है वो आज से चालू हो गए हैं। ठीक है, इसमें जो एज मांगी गई है वो 18 से 36 है, उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 में और ग्रेड 3 में है 18 से 33। इस तरीके से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और आपको पता है पहले एलपी की वैकेंसी निकल गई थी और उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, इस बार ये वैकेंसी निकली है, तो इसकी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। और बाकी डिटेल मैं आपको आगे देता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इसकी किस तरीके से तैयारी करनी है। इसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक बता दूँ पीवाईक्यू की, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं पीवाईक्यू के, और उससे हमें एक आइडिया भी हो जाता है कि किस तरीके से पेपर आते हैं। देखिए साथियों, अगर हम तैयारी की बात करें आपके लिए बेस्ट बुक की, तो एक किरण पब्लिकेशन की बुक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की, तो देखिए आप यहाँ मैथ की देख सकते हैं, ये सॉल्व पेपर है और ये 1996 से लेकर के अब तक के जितने भी हैं आपको सारे मिल जाएंगे। इसमें आपको लगभग 10000 प्लस प्रश्न ऑब्जेक्ट प्रश्न मिल जाएंगे, और इसमें आपको आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, या आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, सबके लिए आपके लिए कारगर बुक रहेगी। ये बेस्ट बुक है आपकी मैथ के लिए। रीजनिंग की बुक है आपकी, यहाँ देख सकते हैं रीजनिंग की बुक, ये रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए है। ठीक है, इसमें भी आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, और इसमें आपको लगभग 8700 प्लस प्रश्न यानी कि अपने आप में बहुत प्रश्न होते हैं, 8700 प्लस प्रश्न इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिल जाएंगे। 1996 से लेकर के अब तक के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको सब कुछ इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जितने भी डिटेल सॉल्यूशन है इसका वो बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है इसमें। अब यहाँ पर हम बात करें जीएस की, क्योंकि जीएस का बहुत अच्छा इसमें वो है पार्ट है, इसमें जो एग्जाम होगा आपका रेलवे के एग्जाम में, अगर हम बात करें जीएस का, किसी भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो टेक्नीशियन का हो या एएलपी का हो या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का हो, इसमें आपको लगभग 27000 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे। ये आपको पता, आप यहाँ देख सकते हैं, भाई खान सर के द्वारा है। ठीक है, और इसमें आपको 1992 से लेकर के अब तक के, ठीक है, जितने भी प्रश्न वो सब कुछ दिए गए हैं, और जितने भी मैंने आपको ये तीनों बुक बताई हैं बहुत अच्छे से डिटेल से सॉल्यूशन इनका बताया गया है। जिस तरीके से मैंने आपको बुक बताई है इनको आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये परचेज करनी हो तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इनको परचेज कर लेंगे। अगर आपको ये ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन भी आपको कहीं से भी बुक स्टोर से मिल जाएगी। अब आपको मैं बताऊँ आपको किस तरीके से तैयार करनी है। देखिए इसमें जो मेन है वो है आपका सीबीटी। सीबीटी के बाद आपका जो मेडिकल वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो सारी चीज़ें होती हैं। इसमें मेडिकल आपका नॉर्मल रहेगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता इसमें मेडिकल। आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, देखिए आपको पीवाईक्यू लगाना है, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो पेपर है वो किस तरीके से आता है। उसके बाद आपको अपना सिलेबस देखना है पूरा पूरा, उसके बाद आपको कुछ हो सके तो प्रैक्टिस सेट लगाने ना, लेकिन मेरा कहना है कि प्रैक्टिस सेट तब लगाया जाता है जब हमारा सिलेबस लगभग आधे से ज़्यादा सॉल्व, यानी कि हम अपना पूरा कंप्लीट कर लें, या तो पूरा कर लें या आधे से ज़्यादा कर लें। प्रैक्टिस सेट लगाने से हमें बस एक ये अंदाजा सा हो जाता है कि हमारी जो कमी है वो कहाँ पर हो रही है, किस सब्जेक्ट में हम कमी कर रहे हैं, उस पर आपको विशेष करके ध्यान देना है। और भी आपकी वैकेंसी बहुत जल्द देखने को आपको मिल ही जाएंगी, तो जिस वैकेंसी का आपको इंतजार था वो वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए टेक्नीशियन जो ग्रेड फर्स्ट वाली वैकेंसी है उसमें आपको डिप्लोमा चाहिए या बीएससी चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग से, इस तरीके से उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाली वैकेंसी है उसमें आपका 10th होनी चाहिए प्लस आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, आईटीआई जो रिलेटेड ट्रेड है उनसे होनी चाहिए, तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। किस जोन से किस किस तरीके से फॉर्म भरनी चाहिए, किस जोन में कैसी कट ऑफ जाती है, कम किस में जाती है, ज़्यादा किस में जाती है, उसके ऊपर मैं अलग से डिटेल से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए, वैकेंसी आ गई, आज से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, इसको आप जल्दी से जल्दी अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म अवश्य भर दें। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।